नमस्कार, मैं अभय यादव आप सभी का कैरियर पॉइंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल हैं आप सभी के? एक बार सभी लोग अपने हालचाल और अपने हाल लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, कैसे हैं आप सभी। और जितने लोग जुड़ते जाएं जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और अपने हालचाल भी बताते रहें। ये काम करिए जल्दी जल्दी फटाफट, और क्योंकि आपकी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं और क्लास आपकी शुरू हो गई है। साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे थे, तो साधारण ब्याज में 2 पार्ट आप लोगों को मिल चुके हैं, आज तीसरा पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, तो पढ़ेंगे उसको। लेकिन उससे पहले एक बार सभी लोग बताएं सबके हाल चाल ठीक है ना। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे, अपने परिवारजनों का ख्याल जरूर रख रहे होंगे, क्योंकि ये जो महामारी चल रही है और इस महामारी के समय में आप सबका ये दायित्व बनता है कि अपने परिवार वालों का, अपने माता पिता का, अपने से बड़े लोगों का, सबका ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करें। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं और जुड़ने वाले सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सबको नमस्कार, सबको राम राम। एक बार शेयर करें, सभी साथी एक बार शेयर कर दें, नए नए साथियों को जोड़ा करिए और जो भी आपके रेगुलर पढ़ने वाले साथी हैं उनको पकड़ के लाया करिए कि हाँ चलिए क्लास शुरू हो गई है और पढ़ते हैं हम लोग साधारण ब्याज, ठीक है। चलिए, तो भाई शुरू करते हैं। हम लोग साधारण ब्याज में क्वेश्चन कर लिए थे, 18 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। होमवर्क दिया था आपको 19 नंबर का क्वेश्चन, वो करवाते हैं। तब तक आप लोग शेयर करते रहिए, जोड़ते रहिए, फिर आज की क्लास 20 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे जो होमवर्क दिया था उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो सर क्वेश्चन नंबर 19 लगा दीजिए, 19 नंबर बोर्ड पे। ज़्यादा समय आपका नहीं ख़राब करते हैं, पहले होमवर्क करवा देते हैं और आज की क्लास, आज के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आज हमें सॉल्व करने हैं। ये 2-3 टाइप को आज हम खत्म करेंगे आज की क्लास में। तो जुड़ जाएं सभी लोग एक बार, जल्दी जल्दी जुड़िए सभी लोग, और जितने भी लोग जुड़ते जाएं लाइक कर दें, शेयर करते रहें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने आया है, यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया गया था, तो एक बार पढ़ते हैं कि 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2352 हो जाती है। 2100 रुपया किसी को उधार दिए गए और वो आपको 2 वर्ष के बाद लौटाता है कितना, 2352 2 ईयर्स के टाइम में, ठीक है ना। तो 2100 रुपये 2 वर्षों के बाद 2352 हो जाते हैं, ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था, उसकी बात कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से क्लियर है ना कि 2100 रुपया दिए थे, 2352 रुपया दे रहा है, तो आप कह रहे होंगे कि 252 रुपया आपको ब्याज मिल रहा होगा। 252 रुपया ब्याज, क्योंकि जो भी बढ़ के मिलता है वही तो मेरा साधारण ब्याज कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 252 रुपये का ब्याज मिल रहा है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, यदि ब्याज की दर 1% कम कर दी जाए। मैंने क्वेश्चन करवाया था बढ़ाने वाला, अब की बार क्वेश्चन आ गया है घटाने वाला क्वेश्चन आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, 2100 रुपये पे 1% बताना पड़ेगा, 2100 का 1% बताना पड़ेगा। लेकिन समय 2 वर्ष का है, तो आप कहेंगे कि 1% दर घटाई गई है ना, 1% दर कम करी गई है। तो अगर आप 1% कम करोगे 1 साल में, तो 2 वर्षों में कितनी कम कर दोगे, 2% कम कर दोगे। 2 वर्षों में कितनी, 2 एकम 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2100 का 2% ब्याज कम मिलेगा। अगर रेट कम हुई है तो ब्याज भी कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, वैसे तो 1% कम मिलेगा, लेकिन 2 वर्ष का टाइम है तो 2% कम मिलेगा। तो 2100 का 2% अगर कम मिलेगा, तो ये दो बिंदी कट जाएंगी, 21 × 42 रुपये कम मिलेंगे। कितने रुपये कम मिलेंगे, 42 रुपये कम मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे, 252 मिलते थे, पहले 252 मिलते थे, अब 1% दर कम हो गई तो 42 रुपये कम हो जाएंगे। तो अगर 42 रुपये कम हो जाएंगे, तो अब जो ब्याज बचेगा वो कितने रुपये बचेगा, अब जो ब्याज बचेगा वो 210 रुपये बचेगा। इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया था, आप सबने किया होगा, आप सबके कमेंट भी आए थे, तो 210 कमेंट करने वाले सभी सही थे और ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले भी सभी लोग सही थे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को समझ पाए, अगर बढ़ाने की बात करी जाएगी तो यहां जोड़ देंगे, घटाने की बात करी जाएगी यहां कम कर देंगे। ये मेरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए था, तो इसको मैंने पहले करवा दिया क्योंकि आप लोग वेट करते हैं कि आपका सही गया कि गलत हुआ। चलिए, तो अभी सब साथी जुड़ चुके हैं ना, सभी लोग जुड़ गए हैं, तो आज की क्लास शुरू की जाए। जुड़ गए सभी लोग तो एक बार क्लास को शुरू किया जाए। चलिए, तो अभी इसके आगे का काम शुरू करते हैं और आज की क्लास में
तीन से चार टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बोला था कि जैसे जैसे पार्ट आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन के टाइप आगे इंक्रीज होते चले जाएंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए मिलेंगे, क्योंकि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो बड़ा सरल क्वेश्चन पहले पार्ट में देखने को मिले, दूसरे में ठीक ठाक, तीसरे में और ठीक ठाक, इसी तरीके से आपका लेवल अप होता रहेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास और इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपके लेवल जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा और क्वेश्चन अच्छे आपके सामने आएंगे। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन 20 लगाएं, 20 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 20, इस टाइप का एक अलग अपना ही रोल है, क्योंकि ये आपका गुना वाला टाइप जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में ही देखने को मिलता है। बड़े छोटे छोटे सवाल होते हैं लेकिन परीक्षाओं में मूल पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार सभी लोग पढ़ें और कैलकुलेट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी, जिन साथियों ने पहले भी ये पढ़ रखा है साधारण ब्याज में गुना वाला टाइप पहले पढ़ रखा है, वो सभी साथी एक बार कैलकुलेट करके कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैंने बोला कि ये चीज़ें आपको बहुत ही सरल पढ़ाई जा रही हैं और आपने पहले पढ़ भी रखी हैं। तो जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से, सबसे पहला पॉइंट आपको पकड़ में आया कि रेट दी गई है, रेट दी गई है कितनी, 15% की, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष में 11 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 11 गुनी हो जाएगी, मतलब अगर आपको गुना की बात करी जाए तो कितने गुना दिया जा रहा है, गुना लिख दिया मैंने, कितने गुना दिया जा रहा है, तो 11 टाइम्स हो जाएगी, 11 गुना हो जाएगा। अब देखिए इस पूरी कहानी को मैं समझा दूँ, आंसर आपका जो भी आए बाद की बात अभी आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन जिनका आता रहे वो लोग कमेंट जरूर करते रहे। मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझ लें, जिन लोगों का बिल्कुल भी नहीं आया या जिन लोगों को समझने में थोड़ी बहुत भी समस्या है वो लोग ध्यान से समझें सारी बातों को। देखिए कभी भी ये 5 गुना 6 गुना 8 गुना 20 गुना 50 गुना कितने भी गुना वाला सवाल आए तो उसका पूरा एक आपको निचोड़ देते हैं। एक तो फार्मूला होता है RT बराबर N-1 × 100, मैं उसको भी छोड़ देता हूँ, आपको एक तरीका समझा रहा हूँ उससे आप करते रहेंगे। देखिए 11 गुना होने का मतलब क्या है, इस 11 गुना होने का मतलब ये है कि अगर किसी को एक रुपया का मूलधन दिया गया हो, अगर किसी को एक रुपया उधार दिया गया हो तो वो आपको वापस करता है 11 रुपया। इस 11 गुना होने का मतलब तो यही है कि अगर किसी को एक रुपया उधार दिया गया, अगर किसी को एक रुपया उधार दिया गया तो वो कितना वापस करेगा, 11 रुपया वापस करेगा, तभी तो वो राशि 11 गुना हो जाएगी। एक रुपया की राशि 11 गुना हो गई तो कितना वापस करेगा, 11 रुपया वापस करेगा। बस यहीं से ध्यान से समझना। अब आप कहेंगे कि एक रुपया के बदले आपके कितने हो गए, एक रुपया के बदले आपके कितने हो गए, 11 रुपये हो गए। यहाँ से आप देखेंगे कि ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे कि ब्याज मिला 10। कितने रुपये का ब्याज मिला, 10 रुपये का, भाई एक रुपये के बदले 11 हो गए तो ब्याज कितना मिला, 10 रुपये का मिला। लेकिन ये जो ब्याज आपको 10 रुपये का मिला कितने पे मिला, कितने पे मिला, तो आप कहेंगे एक पे। 10 रुपये का ब्याज मिला कितने रुपये पे, एक रुपये पे मिला। और अगर आप 10 रुपये का ब्याज एक रुपये पे देंगे और इसको परसेंटेज में चेंज करें, अगर इसको आप परसेंटेज में चेंज करें तो किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा काय का करते हैं, 100 का, तो आप कहेंगे कि 1000% ब्याज मिल गया। कितने परसेंट मिल गया, 1000% ब्याज मिल गया। क्यों, क्योंकि 10 रुपया ब्याज मिले हैं कितने पे, एक पे, 10 रुपया ब्याज मिले हैं एक पे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना ब्याज मिला, 1000% मिला। लेकिन 1000% ब्याज तो मिला, लेकिन एक वर्ष में कितना परसेंट मिलता है, 15% मिलता है। एक वर्ष में कितना परसेंट मिलता है, 15% मिलता है। तो आपने टोटल वर्ष निकालने के लिए क्या करना है, इस 15% का इसमें डिवाइड कर देना है, इस 15% का इसमें डिवाइड कर देना। और जब आप 15% का डिवाइड करेंगे तो देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 से काटोगे तो आप कहोगे कि 15 × 90, यहाँ से बचे कितने, 10 बचे, फिर से 100 हो गया, 15 × 90 कितने बचे, 10, तो 10 बचे ऐसे ही छोड़ दो, तो 66 सही 10/15 वर्ष आपका आंसर आ गया, 66 सही 10/15 वर्ष आपका आंसर आ गया। क्लियर, अभी आपको चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, आगे देखो थोड़ा सा और कैलकुलेट करोगे तो इसको भी हम काट सकते हैं, किससे, 5 से काट दोगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3 वर्ष
66 सही 2/3 वर्ष आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आप चाहो तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट बना लो, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन भी है सोल्यूशन भी है, फिर मैं उसके बाद आपको पूरी बातें एक बार और समराइज कर देता हूँ। चीज़ें बहुत ही कम समय की हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैंने आपको करके बताया, लेकिन आप समझेंगे तब आपको छोटा लगेगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार स्क्रीनशॉट बनाना चाहो, नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर दोबारा समझाता हूँ और क्वेश्चन लेके आऊँगा धीरे धीरे आप जल्दी करने लोगों पर। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने बना लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपका बन गया। अब मैं आगे बात करता हूँ, ध्यान से फिर से एक बार समझे, जिन लोगों ने नहीं समझ पाए वो लोग एक बार फिर से समझे। 15% की रेट है, गुना आपका 11 हो जाता है, तो एक रुपया के बदले 11 रुपये हो जाते हैं, एक रुपया के बदले 11 रुपये हो जाते हैं, तो 10 रुपया मिलते हैं एक पे गुणा 100। जैसे मैं आपके यहाँ पे कहता कि 6 गुना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है, तो आप कहेंगे कि एक के बदले में कितने हो जाएंगे 6, ब्याज कितना मिलेगा 5, ब्याज 5 मिलेगा कितने पे, एक पे गुणा 100, तो फिर 500% ब्याज हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा 500%, 15 का इसमें भाग देते थे आपका समय आ जाता है, ठीक है ना। तो जितने भी गुना बोला जाएगा वहाँ से हम अपना काम कर लेंगे। यहाँ पे 11 गुना था मेरे क्वेश्चन में, 11 गुना था, तो हमने कहा कि एक के बदले 11, 10 रुपया ब्याज मिला, एक पे गुणा 100, तो 1000% ब्याज मिला। टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला, 1000% मिला, और एक वर्ष में 15% मिलता है, तो टोटल वर्षें कितनी है, तो 1000 में 15 का भाग दे दिया, आंसर आपको कितना निकल के आएगा, 66 सही 2/3 निकल के आएगा। क्लियर, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। जितना यहाँ पे करेंगे वो यहाँ देख लेंगे कितना परसेंट मिला और एक चीज़ का भाग दे देंगे। अगर देखिए यहाँ पे आपको रेट ना दी गई होती, टाइम दिया गया होता कि समय है 15 वर्ष का, समय है 15 वर्ष का, तो दर ज्ञात करिए, तो फिर हम यहाँ पे 15 का भाग देते, तो फिर ये वाली जो मेरी आती वो दर निकल जाएगी। तो कुल मिला के चाहे आपसे दर पूछी जाए चाहे आपको समय पूछा जाए, दोनों ही केसेस में हमें क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, थोड़ा क्वेश्चन समझ में आया। 66 सही 2/3 ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन कमेंट करने वाले सभी साथी सही थे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन दूसरा लेके आता हूँ, चीज़ों आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। इसको मैं रफ करता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 21 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है, उसको देखें, कैलकुलेट करके कमेंट करते रहें, उसको देखिए कैलकुलेट करके कमेंट करते रहिए। अब चीज़ें आपके लिए आसान हो चुकी हैं और समझ में भी आ गया है, और मैंने पहले पढ़ाया था, वो लोग जो लोग पढ़ चुके हैं वो तो ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। देखिए अब की बार समय दे दिया गया, समय दिया गया है कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। अब बड़ा आसान चीज़ें होने वाली, कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, बस इतना सवाल है, दर ज्ञात करिए। फिर सुन लो, अगर समय देगा तो दर पूछेगा, दर देगा तो समय पूछेगा, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, समय 10 वर्ष का है, छोड़ दो कोई बात नहीं, 3 गुना हो जाता है, इसको पकड़िए। तो 3 गुना का मतलब क्या है कि 1 रुपया दिया गया होगा तो कितना हो गया होगा, 3। 1 रुपया दिया गया होगा तो कितना बन गया होगा, 3 रुपया बन गया होगा। और अगर 1 के बदले में 3 बन गया तो ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे 2 रुपया का ब्याज मिला, और 2 रुपया का ब्याज कितने पे मिला, 1 पे मिला गुणा 100, तो आप कहेंगे कि जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 200% मिला है। ब्याज कितना मिला है, 200% ब्याज मिला। जैसे पिछले क्वेश्चन में 10 था तो 1000% था, यहाँ पे 2 है तो वो 200% है, क्लियर ना। 1 का बदले 3 हो गया तो 2 रुपये का ब्याज मिला, 1 पे गुणा 100, 200% ब्याज मिला। और ये 200% कितने वर्षों में मिला, 10 वर्षों में मिला, तो यहाँ पे 10 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आएगा कि जो दर है वो कितनी है, 20% है। तो 20% कमेंट करने वाले सभी मित्र बिल्कुल एग्जैक्ट थे। अभी ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान लग रही होंगी, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा हो गया था क्योंकि मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, इसलिए आपको चीज़ें बड़ी लगी होंगी, लेकिन इतना बड़ा है नहीं इसमें कुछ भी। तो चाहो तो फिर से स्क्रीनशॉट बनाओ, चीज़ें गुना वाली आएंगी तो आपको यहाँ पे 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना 50 गुना कुछ भी बोला जाए तो 1 रुपया के बदले में 3, 1 के बदले में 5, 1 के बदले में 6, जितना बचा। और देखो डायरेक्ट भी बताऊँ, इस काम से भी बचने के लिए, यहाँ तक का काम भी आप बचा सकते हो, डायरेक्ट समझो, 1 के बदले में अगर 3 हो गए तो इन दोनों का अंतर कितना, 2, तो 200%। 1 के बदले में 7 हो गए, अंतर कितना, 6, तो 600%। 1 के बदले में 8 हो गए तो अंतर कितना, 7, तो 700%, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक दूसरी वाली चीज़ का उसमें भाग देना है, ठीक है ना, तो कर लोगे। और यहीं से आपको यहीं चीज़ों से मिला के एक फार्मूला बनाया गया था, चाहो तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, कि साधारण ब्याज में गुना आधारित का फार्मूला होता है RT = N-1 × 100।
जितने गुना होगा उसमें से एक कम करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ, तो देखिए आपको आर नहीं दी गई, आर की जगह आर लिखा रहने दो, टी तो दिया गया ना 10 वर्ष का, तो 10 लिख दो। कितने गुना हो गया 3, तो 3 में से घटाओ 2, 2 का गुणा 200 में, उसमें 100 में कर दो तो 200 हो जाएगा। एक बिंदी से एक बिंदी काट दो, आर बराबर तब भी आपकी आएगी कितनी 20%। जो ये काम मैं सिखा रहा हूँ, जो इस फार्मूला को दे रहा हूँ, वही काम आपको ये वाली बात भी सिखा रही है, तो दोनों बातें एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। चाहो तो इस फार्मूला को नोट कर लो, चाहो तो आप ये तरीका समझ लो, बातें एक ही है, लेकिन मैं ये कहूँगा तरीका समझ लो ज़्यादा बढ़िया है, फार्मूला भूल भी सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए तो कर लोगे ना, साधारण ब्याज के गुना वाले क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और मैं रखता हूँ, क्योंकि बहुत ही सरल चीज़ें हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लगाएं सर। क्वेश्चन नंबर 22 कोशिश करना कि बोर्ड पे ना कराना पड़े, क्योंकि बड़ा सरल चीज़ें हो गई हैं आपके लिए। अब आप समझ चुके हो सारी बातें, फार्मूला भी समझ लिया और आपने तरीका भी समझ लिया। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 22 करके बताएं जल्दी सभी लोग। 22 आपके सामने बोर्ड पे है कि कोई धनराशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कोई धनराशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करिए। बिल्कुल सरल बातें हैं आपके लिए। समय दिया जा रहा है कितना, 6 वर्ष का, और कितने गुना हो जाती हैं, दोगुनी हो जाती हैं, दो गुना हो जाता है, दर ज्ञात करिए, बस ये मेरा सवाल है। देखिए दो गुना होने का मतलब एक के बदले में कितने मिले होंगे, दो, एक के बदले में दो मिले होंगे, तो एक का ब्याज मिला होगा, और एक का ब्याज मतलब 100% ब्याज मिला होगा, ठीक है ना। एक का ब्याज मतलब, या फिर मैं समझाता हूँ, एक रुपया का ब्याज मिला कितने पे, एक पे, एक का ब्याज मिला एक पे गुणा 100, तो ब्याज कितना मिला, 100% मिला, 100%। और 100% कितने वर्षों में मिला, 6 वर्षों में, तो इसमें 6 का भाग दे देंगे, और 100 में अगर 6 का सॉरी 6 का भाग देंगे तो आप कहेंगे कि 6 कम 6 बचा कितना, यहाँ पे 4, 40 हो गया, 6 चरंग 36 बचा कितना 4, तो 16 सही 4/6 16 सही 4/6% की रेट है, या फिर इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, तो 16 सही 2/3% की रेट है। सारी बातें आपके सामने हैं, गुना वाले जितने भी सवाल बनेंगे उन सारे सवालों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 16 सही 2/3% आपका आंसर आएगा। क्लियर ना, बात समझ पाए ना। जितना गुना हो जाता है उसमें एक बढ़ाते हैं, एक का दो हो गया तो 1% का ब्याज मिला, सॉरी 1 रुपये का ब्याज मिला, और 1 रुपये का मतलब 100% मिला, 2 रुपये का मतलब 200% मिला, 3 रुपये का मतलब 300% मिला, और उसमें दूसरी वाली चीज़ का भाग दे देंगे, हो जाएंगे ना गुना वाले सवाल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने सी कमेंट किया था सबका सही है, सी कमेंट करने वाले सभी मित्र बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो कर लोगे गुना वाले सवाल, आप कॉपी में देखिएगा, किताब में देखिएगा, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए भाई, तो कमेंट कर रहे हैं आप सभी लोग, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो, ये गुना वाली चीज़ें आपको पहले से भी आती होंगी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और अगर जिनको नहीं आती उन्होंने अभी समझा होगा, या जब आप बी क्लास देखेंगे तब आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे, तो इसके आगे बढ़ जाया जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर सर 23 लगाएं और थोड़ा सा नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, चीज़ें आपके लिए नई होने वाली हैं, जो लोग पहले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके लिए तो चीज़ें पुरानी ही होंगी, तो जो लोग नए हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, चीज़ों को समझोगे कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा बड़ा सवाल लग रहा है, इन गुना वाले से थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। राम ने एक कंपनी से कुछ राशि 8% ब्याज पर ली, राम ने कुछ कंपनी किसी कंपनी से कुछ राशि उधार ली होगी, कहीं से पैसा उठाया होगा, और वो कितने परसेंट की दर पर उठाया है, 8% की दर से उठाया है, ठीक है। चलिए, और वही राशि उठाकर 12% की दर से श्याम को उधार दे दी। अब देखो चालाक टाइप के राम निकले हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि पैसा पहले कहीं और से उठा रहे हैं, पैसा पहले कहीं और से उधार ले रहे हैं, कंपनी से इन्होंने 8% की दर पे पैसा उधार लिया और उसी पैसा को उठाकर एक थर्ड पर्सन को दे दिया 12% की दर पे, तो सीधी सी बात है अब ये बिजनेस वाला दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों में कई सारे साथी होंगे जो बिजनेस करते होंगे, बिजनेस करने का मतलब छोटी छोटी बातों पर बिजनेस वाला दिमाग लगा देते होंगे, तो वही वाले ही राम निकल गए। इन्होंने क्या किया कि पैसा कहीं से 8% की दर से उठाया और उस 8% वाले पैसा को उठा के थर्ड पर्सन को दे दिया 12% की दर पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो 12 वर्षों के बाद उनको 960 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो मूल राशि थी कितनी, जो उन्होंने पैसा उठाए थे वो थे कितने।
इन सारी बातों को समझना है। आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं आपको ये दावा दिला सकता हूँ, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। नहीं लगा पा रहे तो कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ आप थोड़ी सी बातें सोचेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। देखिए, 8% की दर पर पैसा खुद लाए थे, जो राशि इन्होंने ली थी वही राशि उठा के किसको दे दी, श्याम को दे दी, लेकिन अब की बार दी कितने परसेंट की दर से है, 12% की दर पर। ठीक है, आप एक बात बताओ, 8% की दर पे पैसा खुद लाए थे और वही पैसा उठा के दे दिया 12% की दर पे, तो इन्होंने जो काम किया है इस काम से इनको प्रॉफिट कितना है, इस काम से इनको प्रॉफिट, देखो मैंने चश्मा बना दिया, इस काम से इनको प्रॉफिट कितने परसेंट का है, 4% का है। इस काम से इनको प्रॉफिट कितने परसेंट का है, 4% का। ये पैसा राम के लिए लाए थे, ये राम अपने लिए लाए थे 8% की दर पे ब्याज देने के लिए, और इन्होंने उठा के दे दिया किसको, श्याम को, तो ये श्याम को 12% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। इसमें राम का जो फायदा है वो कितने परसेंट का है, 4% का। 4% का एक वर्ष में फायदा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वर्ष तक वेट किया है, 4% की दर से 12 वर्ष तक वेट किया है, तो फिर 12 वर्ष में जो इनका फायदा होगा वो हो जाएगा 12 गुणा 4। आप कहेंगे कि 48% प्रॉफिट होगा राम को, कितना प्रॉफिट होगा, 48% प्रॉफिट होगा किसको, राम को। अब एक बात बताओ, ये जो 960 रुपया इनको प्रॉफिट हुआ है या वो 48% प्रॉफिट हुआ है, तो आप एक बात बताइए, ये जो 48% आपके हिसाब से प्रॉफिट दिख रहा है, यही तो क्वेश्चन के हिसाब से 960 रुपया है, क्वेश्चन के हिसाब से 960 रुपया है, तो हम अगली स्टेप में लिख सकते हैं 48% बराबर 960, 48% बराबर 960। क्वेश्चन कह रहा है कि तो मूल राशि कितनी थी। अब एक बात सुनिए, हो सकता है ये लफ्ज़ मैंने अपनी जबान से ना बोला हो, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे मूलधन पूछा जाएगा और आप अपनी पूरी बातों को परसेंटेज में चेंज करके ला रहे हो, तो मूलधन हमेशा 100% होता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे मूलधन पूछा जाए तो मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे भी आपकी बात यह है कि 4% फायदा एक साल में, तो 12 वर्ष में 48% फायदा, 48% बराबर 960। क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन बताइए, मूल राशि कितनी थी, तो आपको 100% का मान बताना है। कैसे बताएंगे 100% का मान, देखिए 48% बराबर अगर 960 है तो ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे ये 20 गुना है। 48% बराबर अगर 960 है तो ये कितने गुना है, आप कहेंगे 20 गुना है, तो 100% भी अपने आप का 20 गुना होगा, तो 100 गुणा 20 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 2000 रुपया राम ने कंपनी से उठाए होंगे और वही उठा के किसको दिए होंगे, श्याम को दिए होंगे। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, बस 4 लाइनें हैं, नोट करिए, आपका आंसर 2000 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। और जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी कमेंट करने वाले सभी साथी ठीक हैं, 2000 कमेंट करने वाले सभी साथी ठीक हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीज़ें आपके सामने बहुत अच्छे शब्दों में लिखी हैं, तो इनको समझ सकते हो आराम से, समझिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लगवाएंगे, फिर आप लोग करके बता दीजिएगा। चलिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए, तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये फास्ट चल रहा है, तो चीज़ें फास्ट नहीं है, आप थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें, मैनेज करने की कोशिश करें, कवर होगा। देखिए, राम 8% की दर से ब्याज दे रहे थे, लेकिन उन्होंने वही पैसा उठा के श्याम को दे दिया 12% की दर से, तो यहाँ पे मैंने आपको केवल इतना जानकारी दी कि 8% की दर से राम को ब्याज देना था, 12% की दर से लेने लगे, तो इनको फ़ायदा कितना हो रहा, 4% की दर का फ़ायदा हो रहा। कुल मिला के अगर ये 8 रुपया किसी को देंगे जाके, लेकिन इन्होंने पैसा लिया किसी से 12 रुपया, तो इनको कितना फ़ायदा होने लगा, 4 रुपया का, और 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा, लेकिन 12 वर्ष में कितने का होगा, 12 से 48% का होगा। तो यही जो 48% है, ये क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं, 960 है, तो 48% बराबर 960 है, तो 20 गुना है, तो 100% भी अपने आप के 20 गुना होंगे, आंसर कितना आ गया, 2000 आ गया। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, एक क्वेश्चन होगा PDF में, प्रिंट में होगा, लिखा हुआ नहीं होगा, प्रिंट में होगा, वो वाला क्वेश्चन लगाइए। बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को समझा है, अगर इस क्वेश्चन को समझा है, तो उस क्वेश्चन को भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात का मैं आपसे दावा करता हूँ, 100% आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर, चलिए भाई करके बताएं। क्वेश्चन नंबर सर जो प्रिंट वाला है वो लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे आया है, ये क्वेश्चन एक बार आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जितने भी लोग पुलिस और SSC GD वाले जुड़े हैं और टेट वाले भी जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, करके बताइए, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं जल्दी से। एक साहूकार 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कुछ रुपए कर्ज देता है। साहूकार ने कहीं पे 5% की दर से कोई पैसा दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 वर्षों के लिए। वह गणना करता है कि यदि वह 6 सही 3/4% की दर से कर्ज दिया होता तो 1029 रुपये अधिक प्राप्त होते। देखिए, पहले उसने पहली बात तो कि जो कर्ज दिया गया है वो कितने वर्ष के लिए दिया गया है, 3 वर्ष के लिए दिया गया है। क्लियर, 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि वह 5% की दर से लिया, पहले तो कितने परसेंट की दर से दिया है, 5% की दर से, बाद में उसने गणना करी कि यदि वह 6 सही 3/4% की दर से देता, यदि वह 6 सही 3/4% की दर से देता तो उसे कुछ रुपया ज़्यादा मिलते। कितने रुपए ज़्यादा मिलते, तो 1029 रुपये ज़्यादा मिलते। इधर लिख लेते हैं 1029 रुपये अधिक मिलते। इतने में ही समझा देते हैं। आप पहले एक बात देखिए, 5% की दर से तो ब्याज वो ले ही रहा था, 5% की दर से ले रहा था, लेकिन उसकी इच्छा हुई कितना लेने की, 6 सही 3/4% की दर से। 6 सही 3/4% की दर से लेने का मतलब 1 सही 3/4% ज़्यादा लेने की इच्छा हुई। 5% तो पहले से ही ले रहे थे, 5% पहले से ही ले रहे थे, अब उनकी इच्छा हो रही है कि हम 6 सही 3/4% की दर से लेने लगे। तो 6 सही 3/4% में तो 5 तो पहले ही निकल जाएंगे, तो कितना ज़्यादा करने का वो सोच रहे हैं, 1 सही 3/4% ज़्यादा करने का सोच रहे हैं। और 1 सही 3/4% कितना होता है, 7 × 4 = 4 और 3 = 7/4% ज़्यादा कर रहे हैं, 7/4% ज़्यादा करने की सोच रहे हैं। लेकिन ये जो 7/4% ज़्यादा करने की सोच रहे हैं, कि कितनी साल में करने की सोच रहे हैं, कितनी साल में करने की सोच रहे हैं, 1 साल में, ये अभी मेरी बात चल रही है 1 साल में, लेकिन समय कितने वर्ष का है, 3 साल में। जैसे पिछले में 4% की फ़ायदा हो रही थी तो 12 वर्ष में 48 की कर दी थी, यहाँ पे कितने की फ़ायदा करी है, 7/4 की, 7/4 की 1 साल में है, तो 3 साल में कितनी होगी, 7/4 × 3 आप कहोगे 21/4% ज़्यादा मिलेगा, 21/4% ज़्यादा मिलेगा। और किसका 21/4% ज़्यादा मिलेगा, किसका 21/4% ज़्यादा मिलेगा, तो मूलधन का 21/4% ज़्यादा मिलेगा। तो पी का 21/4% ज़्यादा अगर मिलता, वही आपको क्वेश्चन बोल रहा था 1029 रुपया, वही क्वेश्चन कितने रुपए बोल रहा था, 1029 रुपये अधिक प्राप्त होते। इतनी पूरी बात को फिर से समझ लीजिए, पी का मान तो हम निकाल के बता ही देंगे, आपसे धनराशि पूछी गई और आप लोग भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन पहले ये पूरी कहानी समझो। 3 वर्ष के लिए कोई पैसा दिया गया, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। 5% की दर पे दिया गया, इसकी भी ज़रूरत नहीं, लेकिन उस साहूकार की इच्छा ये हुई कि भाई वो पैसा 6 सही 3/4% की दर से देता। दिया कितने से है, 5 से, लेकिन देता कितने से, 6 सही 3/4% की दर से। तो ये जो भी काल्पनिक घटना सोच रहा है कि मैं अगर इसने देता तो इतना फ़ायदा होता, तो कितना परसेंट ज़्यादा कर रहा है। आपने कहा कि 5 से तो पहले से ही था, 6 सही 3/4% ज़्यादा करने की बात कर रहा है, तो कितना ज़्यादा करने की बात कर रहा है, 1 सही 3/4%। और 1 सही 3/4% का मतलब 7/4% ज़्यादा करने की वो सोच रहा है, 7/4% ज़्यादा करने की सोच रहा है, लेकिन 1 वर्ष में। 3 वर्षों में कितना ज़्यादा हो जाएगा, 21/4% ज़्यादा हो जाएगा, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। और वही 21/4% जो है वो किसके बराबर है, 1029 के बराबर है। तो मूलधन का 21/4% बराबर 1029। तो अगर आप यहाँ से ये परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ 2 बिंदी बढ़ेंगी, ठीक है, 2 बिंदी बढ़ेंगी। अब देखिए आपको क्या करना है, पी का मान निकालना। तो इस पी का मान निकालने के लिए इस 21 से आप पूरा कट करोगे, तो 7 से काटेंगे, 7 × 21, इधर काटोगे 7 × 1, 7 × 3 = 3, 7 × 4 = 28, 4 × 5 = 4, 7 × 7 = 49, 3 से काटोगे तो 3 × 4 = 12, 5 × 3 = 27, कुल मिला के ये 21 से 1029 49 बार कट गए। और अगर इस पी का मान निकालना तो इस 400 का गुणा और हो जाएगा, तो 49 × 400 आपका आंसर आएगा। 49 × 400 करोगे तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है, 1 मिनट, चलिए। तो यहाँ तक तो आप देख ही पा रहे हैं, मैं इस कंडीशन को यहाँ पे कर देता हूँ, इस जगह पे कर देता हूँ। पी इज इक्वल टू जो आपका आएगा 49 × 400, तो 00, 4 × 36 की 6, 3 हासिल, 4 × 16 = 3, 19, तो 19,600 रुपये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिए, बाकी का क्वेश्चन भी आपके सामने रहेगा, सोल्यूशन भी आपके सामने रहेगा। पूरी कहानी को एक बार समझ के नोट करिए, मैं थोड़ा सा साइड। Yeah.
चलिए स्क्रीनशॉट लेने वालों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा तो इन चीज़ों को समझ लिया होगा। क्वेश्चन देखिए धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं और हमने बोला था कि जब आप किसी भी चैप्टर के अंत की ओर बढ़ रहे होंगे, टाइप आप आगे बढ़ते चले जा रहे होंगे, तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी ठीक मिलने लगे होगा। और इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेटिव होते हैं, देखिए परीक्षा का कोई भी प्रश्न आप उठा के देखेंगे कैलकुलेटिव होता है, और प्लस ये पूरी जानकारी ले लेता है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी नहीं है क्योंकि कंपटीशन का लेवल अब ईजी नहीं रह गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, प्रश्नों के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपका काम होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप कर लेंगे। आपका आंसर कितना आ गया, 19,600 रुपये आ गया। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देखना, चीज़ों को रिपीट करके देखना, आप सारी चीज़ों को फिर से समझ में आएंगे। फिर से भी अगर ना समझ में आए तो एक बार बताइएगा, दोबारा करा देंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं इसको रफ करूं, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी लोग पहुंच गए होंगे, 19,600 तक आपका आंसर आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और पढ़ते हैं, कुछ दूसरे टाइप को लेके आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 24 लगाएं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर टाइप चेंज हो गया आपका, जो आपका 23 और ये जो टाइप वाला क्वेश्चन था वो आपका उस टाइप में नहीं है, थोड़ा सा ये पार्ट वाले में, रेशियो वाले पार्ट में क्वेश्चन है। तो इसको भी करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि 6500 रुपए की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया। तो 6500 रुपए किसी इंसान को उधार दिए गए, लेकिन दो अलग अलग भागों में उधार दिए गए। अब दो अलग अलग भागों में किस प्रकार दिए गए, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, मतलब जो भी उसका पहला हिस्सा किया गया। पहले तो एक बार समझिए कि जो आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो कितने रुपए का है, 6500 रुपए का, क्लियर। आगे बात करें कि इस प्रकार उधार दिया गया कि पहले भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष का ब्याज है। इसको दो भागों में बांटा गया और पहले पार्ट पे क्या बोला गया कि 3% की रेट है, 8 वर्ष के लिए दिया गया है, ठीक है, ये दो बातें बताएंगी। दूसरे भाग पर क्या बोला गया कि द्वितीय भाग पर 5% की दर से, इसमें रेट जो दी गई 5% की दी गई, और कितने वर्ष का समय, 3 वर्ष का ब्याज दिया गया, 3 वर्ष का समय है। तो ये दो बातें आपको अलग अलग पार्ट के बारे में बताएंगी। इसकी 3% रेट है, 8 वर्ष के लिए दिया गया, इसकी 5% रेट है, 3 वर्ष के लिए दिया गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों से ब्याज जो मिलता है, इस वाले हिस्सा और इस वाले हिस्सा से जो ब्याज मिलता है वो दोनों से समान मिलता है, तो दूसरा भाग क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि पहला भाग क्या होगा, ठीक है ना, तो या पहला और दूसरा दोनों ही पूछ सकता है। अब देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे अलग अलग भाग वाले, तो उसमें आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात समानुपात की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो अनुपात समानुपात का जो भी पार्ट यहाँ पे जरूरी होगा उसको मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को समझें। देखिए 6500 रुपये के, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया कि बराबर बराबर हिस्सा किए गए, तो कोई इनको आधा आधा ना कर देना, ना ऐसा बोला गया कि तिहाई किया गया, चौथाई किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। कितने के हिस्सा है भी कोई जानकारी नहीं है। तो आप एक काम करिए कि हम ये मान लेते हैं कि इस 6500 के जो दो हिस्सा किए गए वो आपके P1 और P2 हैं। ये हमने मान लिया P1, ये हमने मान लिया P2। कुछ रुपया उठा के इसको दिए गए होंगे, कुछ रुपया उठा के इसको दिए गए होंगे, और जो आपका P1 वाला राशि रही होगी उसको 3% की दर से 8 वर्ष के लिए दिया गया, और जो P2 वाली राशि रही होगी उसको 5% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया। देखिए और एक बात और मालूम है आपको कि जो रेट और टाइम होता है उनका मल्टीप्लाई होता है, वही आपका ब्याज होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो P1 का कितना परसेंट ब्याज लगा होगा, 24% ब्याज लगा होगा, P1 का 24% ब्याज लगा होगा, और इसमें जो आपका P2 आया होगा उसका मिला होगा कितना, 15% ब्याज मिला होगा। P1 का 24% ब्याज मिला होगा और P2 का 15% ब्याज मिला होगा, क्योंकि 5% की दर से 3 वर्ष का समय है, 3% की दर से 8 वर्ष का समय है। और अगली ही लाइन में, क्वेश्चन की अगली लाइन में बोला गया है कि दोनों जगह से ब्याज जो मिल रहा वो समान मिल रहा है, तो बीच में आप इक्वल भी लगा सकते हैं, बीच में आप बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो P1 का 24% और P2 का 15% बराबर है। आगे का काम करते हैं, ध्यान से देखिए, इस जगह पर आप परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे और जो भी चीज़ें कटेंगी उनको भी काट देंगे। कैसे, 5 से काटेंगे तो यहाँ काटेंगे 5 तीन 15,
सॉरी 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 15 और इधर काटेंगे 3 अठे 24। अभी आपको एक बात क्लियर है, 8 है यहाँ 5 है, अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आप लिखेंगे P1 मल्टीप्लाई 8 बराबर P2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, यहाँ से आपको ये चाहिए कि P1 और P2 का रेशियो मिल जाए, P1 और P2 का रेशियो मिल जाए, और यही आपकी अनुपात समानुपात की बेसिक जानकारी है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बात समझिए, अगर कभी भी आपका P1, P2, P3, P4 अगर इक्वल में चल रहा हो, बीच में बराबर का साइन चल रहा हो, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों की जगह एक ऐसी नंबर मान लो, 8 और 5 की जगह एक ऐसी नंबर मान लो जो दोनों से कट जाए, जो दोनों से कट जाए, या फिर ऐसे करिए दोनों का एलसीएम ले लो, तीन जगह होती तो तीन संख्याओं का लासा ले लेते, चार होगी तो चार का एलसीएम ले लेंगे, तो कुल मिला के हमें एलसीएम लेना है, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना लेना है, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा 40, 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा 40, तो हमने ये कह दिया, यहाँ पे हमने रख लिया 40, और 8 का डिवाइड अगर हम 40 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 का डिवाइड में 40 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, और यही आपका निकल के आ गया P1 अनुपात P2 5:8, यही आपका निकल के आ गया P1 अनुपात P2 5:8। सीधा ये समझिए, अगर कहीं पे भी ऐसी कंडीशन बने, देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर ना समझ पाए हो, अगर कहीं पे भी ऐसी कंडीशन बने जहाँ पे आपकी चीज़ें मल्टीप्लाई में हो और बराबर में हो, तो क्या करेंगे, वहाँ पे एक नंबर मानेंगे, हमने नंबर मान ली 8 और 5 से कटने वाली 40, 40 का भाग अगर 8 से करेंगे तो 8×5=40, तो ये 5 बार गया, 5 का भाग 40 में करेंगे कितनी बार जाएगा 8 बार, यही आपका रेशियो आ गया किसका, P1 और P2 का, P1 और P2 का, तो कुल मिला के अगर P1 5 हिस्सा होगा तो P2 कितना होगा 8 हिस्सा होगा, P1 अगर 5 हिस्सा होगा और P2 कितना होगा 8 हिस्सा होगा, इस जगह से क्लियर है कि जो अगर दोनों का सम देखें वो कितना होगा 8×5=13, दोनों का अगर योग देखें तो कितना होगा 8×5=13, लेकिन आपके हिसाब से जो योग 13 निकल रहा है वो कितना है 6500, आपके हिसाब से जो 13 निकल रहा है वो कितना है 6500, तो 13 बराबर अगर 6500 है तो ये कितने गुना है 500 गुना है, कितने गुना है 500 गुना, तो क्वेश्चन कह रहा है दूसरा वाला हिस्सा बताओ, तो दूसरा वाला हिस्सा बताने के लिए 8 का मान बताओगे, तो 8 भी अपने आप के 500 गुना होंगे, आंसर आएगा कितना 4000, कितना आंसर आएगा आपका 4000। तो ये चीज़ें अगर आप थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी रखेंगे अनुपात समानुपात की, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो अगर चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट बना लो, फिर आपको होमवर्क देते हैं, स्क्रीनशॉट अगर बनाना है किसी को तो क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों का स्क्रीनशॉट बना लो, और ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और ये वाली चीज़ें अगर थोड़ी सी भी अगर आपको जानकारी होगी तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए, इस जगह पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हमने ये पूछ दिया कि पहला पार्ट बताओ दूसरा पार्ट बताओ, वो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता था कि दोनों हिस्सा का अनुपात बताइए, दोनों भागों का अनुपात बताइए, तो आंसर मेरा होता 5:8, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा सकता था कि दोनों का अनुपात बताइए, तो 5:8, पहला हिस्सा बताइए तो आप 5 का मान बताएंगे, और 5 का मान बताते तो अगर 1 = 500 है तो 5 = कितना होगा 2500 हो जाएगा, दूसरे हिस्सा का मान बताइए तो 8 = बताएंगे, वो बताया हुआ है कितना आएगा 4000 आएगा, ठीक है ना। तो पहले हिस्सा दूसरे हिस्सा दोनों का अनुपात, या ऐसे पूछ लेगा दोनों हिस्सा का अंतर बताइए, तो दोनों हिस्सा का अंतर यहाँ पर कितना है 3, दोनों हिस्सा का अंतर 3 है, और अगर 1 = 500 है तो 3 = कितना होगा 1500 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना काम कर लेंगे, तो यहाँ से रेशियो वाली बात अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, तो इसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, सर क्वेश्चन नंबर 25 लगाएं, 25 लगा दीजिए, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके का है, इसमें आपको रेशियो बताना है, बस चीज़ें तीन हो जाएंगी, यहाँ पे हमने दो हिस्सा वाला कराया हुआ है, वहाँ पे P1 P2 और P3 और हो जाएंगे, और आपका रेशियो निकल के आएगा, उस रेशियो को हमें बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया लास्ट में कि उस निवेश का अनुपात क्या होगा, तो जो भी आपके ऑप्शन दिए गए उनमें से चेक करके बताइएगा। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये जो अब आपके धीरे धीरे लेवल अप हो रहे हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए, तो इनको करते रहिएगा और पूरी क्लास को देखा करिए। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार, शुक्रिया, शुभरात्रि।